दिल्ली में जितने लोगों को टीका लगना था उससे आधे लोगों को ही टीका लग सका। कांग्रेस ने बीजेपी पर संदिग्ध आरोप लगाए और बीजेपी ने आरोप लगाया कि सब केजरीवाल सरकार की कारिस्तानी है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने ही एमसीडी के अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र ही नहीं बनवाया। बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नया नहीं है, कुछ अनोखा नहीं है, सब जैसा नॉर्मल, जैसा घुसी थी वैसे ही बाहर आई। नहीं नहीं, कोई अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, टीके धोके लगाए, अपनी सेफ्टी इसमें हम सब की है। आज वैक्सीन लग गई तो मतलब हम लोगों को भरोसा हो गया कि अब कोरोना जैसी बीमारी नहीं आएगी। जिन्होंने कोरोना का पहला टीका लगाया उन्होंने बताया कि उन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में दिक्कत हो गई, और थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। समझिए इसे, दिल्ली में 8,100 लोगों को टीका लगना था, लेकिन टीका लगा सिर्फ 4,319 लोगों। दिल्ली में 50% ही टीकाकरण होने से वैक्सीनेशन पर राजनीति गर्मा गई। सबसे पहले कांग्रेस ने ही सवाल किया कि जब केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में तीनों निगमों पर बीजेपी का कब्जा है, तो फिर दिल्ली में वैक्सीनेशन कम क्यों हुआ। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में निगम भी तीनों भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी हैं जो पिछले कई हफ्तों से बड़े बड़े प्रचार वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है कि दिल्ली में 8,100 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करा था और मात्र 3,700 लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि दिल्ली के अंदर खुद जहां सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उनकी सरकार है, तीन तीन मेयर हैं, उसके बाद भी 50% से कम टीका दिल्ली में क्यों लगा। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, लेकिन बीजेपी इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बता रही है। सरकार के मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते उसका प्रचार करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। टीकाकरण का विज्ञापन और प्रचार क्यों नहीं किया भाई, क्या दिक्कत थी टीकाकरण के? क्या दिल्ली के लोगों के लिए आवश्यक नहीं है टीकाकरण? राजनीति करनी अपनी दलगत राजनीति के लिए, लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो, भ्रम पैदा कर रहे हो। इस पे ट्वीट किया उन्होंने टीकाकरण के लिए, आइए फोटो खिंचवाने पहुंच गए अस्पताल में, उन्होंने कहा सब लोगों के आइए टीका लगवाइए, उन्होंने कहा किसी को समय पर पहुंचिए। आपने को मुझे एक विज्ञापन दिखाइए, एक प्रचार दिखाइए, कोरोना काल में 543 करोड़ रुपए का प्रचार पे पैसा मैं खर्च कर दिया, इसमें 500 रुपए खर्च नहीं करे तुमने यार। वैक्सीनेशन कम होने पर छिड़ी इस महाभारत में एक और एंगल आया, समझिए इसे भी। दिल्ली में 81 वैक्सीनेशन साइट बनाई गई, लेकिन इनमें एमसीडी के अस्पतालों को शामिल ही नहीं किया गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है और एमसीडी के अस्पतालों में वैक्सीन का ड्राई रन भी किया गया था। बावजूद इसके जब टीकाकरण की बारी आई तो दिल्ली सरकार ने एमसीडी के अस्पतालों में वैक्सीनेशन की कोई साइट बनाई ही नहीं। अब नॉर्थ एमसीडी के मेयर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर एमसीडी के अस्पतालों को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से टीकाकरण कम हुआ। सरकार ने टीकाकरण के अभियान में भी नगर निगम के साथ बहुत बड़ी राजनीति कर दी है, जहां कोविड काल में नगर निगम ने दिल्ली सरकार का सहयोग करके हर काम को आगे बढ़ के किया, चाहे सफाई का काम था, चाहे बायोमेडिकल वेस्ट था, चाहे डीएम के साथ मिलकर के काम करना था, चाहे हमारे जो कोविड केयर सेंटर थे उनकी देखभाल थी, उनको दवाइयां पहुंचाने की बात थी, हर काम हमारे अस्पतालों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे डीबीसी कर्मचारी ने बढ़ चढ़ कर किया। लेकिन दिल्ली सरकार ने बहुत ही चलाकी से हमारे जिन केंद्रों पर टीकाकरण होना था उनको उससे बाहर कर दिया। हालात चाहे जो रहे, लेकिन इतना जरूर है कि देश की राजधानी में ही अगर वैक्सीनेशन का आंकड़ा घटेगा और वैक्सीनेशन पर राजनीति बढ़ेगी तो ये कोरोना को जड़ से खत्म करने में बाधक ही बनेगी। इस बाधा के खिलाफ ही शंखनाद करने की आवश्यकता है। राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।